लगाने में हमको 850 रुपया लगा है अपने जेब से, और रोज के 150-200 का पेट्रोल डाल के दौड़ रहे हैं। हारेंगे तो हुरेंगे और जीतेंगे तो फुरेंगे, लेकिन वही रहेगा कैची। साफ साफ बताए जयराम महतो कितना पैसा दिया सब करने के लिए? विश्वकर्मा छुके बोलते हैं जयराम महतो नहीं दिया, जयराम महतो पीछे हम लुटा रहे हैं इसको। जगन्नाथ महतो था, हम उसको प्रणाम करते हैं, वो बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उसका बेटा और उसका माँ समझेंगे ना, उन लोग का बोलने का अक्ल है न तमीज है, फिर भी एगो दारू मंत्री यार एगो मंत्री बन रहा है। जहाँ पे नंबर प्लेट लगना चाहिए नंबर लगना चाहिए, यहाँ पे आदमी कैंची छाप लगा दिया। जेल कैंप का जो प्रत्याशी है टाइगर जयराम महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से, उनका एक सिंबल है जो चुनाव आयोग की तरफ से आवंटित किया गया है। नंबर प्लेट नहीं लगाने का पता है ना कितना चलान करता है, कितना काटेगा चलान काटेगा, अंदर नहीं करेगा, अंदर करेगा फांसी सजा तो नहीं देगा। जयराम महतो नहीं करेगा, लेकिन बोलने के लिए और सबको सबक सिखाने के लिए यहाँ जो लुटेरा खुटेरा जो है ना, उसको कम से कम दौड़ा दौड़ा तो जरूर मारेगा। जयराम महतो का टुंडी विधानसभा घर पड़ता है, यहाँ के लड़ता है। ओ मतलब मोदी दो जगह से लड़ सकता है, वो सरकार है, वो चार जगह से लड़ सकता है, मतलब आम आदमी हम नहीं लड़ सकते। जयराम महतो नहीं करेगा, लेकिन बोलने के लिए और सबको सबक सिखाने के लिए यहाँ जो लुटेरा खुटेरा जो है ना, उसको कम से कम दौड़ा दौड़ा तो जरूर मारेगा। कौन लुटेरा खुटेरा का मारने के बाद सबको बोलो, जितना नेता है सब लुटेरा है, झारखंड तो बेच के आधा खाइए गया है, अब बचल क्या है, 24 साल तो सबको खैबे किया है। कौन लुटा आसपास तो बताइए, एक दो नेता, एक दो को की नेता बता देंगे, सब तो जानबे कर रहे हैं, जेल ले जा रहा है फिर आ रहा है फिर निकल रहा है, वो तो पैसा है तो निकलबे कर रहा था, बोलने के ना बोलने के क्या मतलब, बोल के ना बोल के क्या है। डुमरी विधानसभा का जो पूर्व विधायक है अमित अमीर, फिलहाल में भी मंत्री भी है, उनका ये क्षेत्र पड़ता है, काम काज कैसा लगता है? पूर्वीय विधायक मेरा स्वर्गीय ओ जगन्नाथ महतो था, हम उसको प्रणाम करते हैं, वो बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन अभी जो है उसका बेटा और उसका माँ समझेंगे ना, उन लोग का बोलने का अक्ल है ना तमीज है, फिर भी एगो दारू मंत्री यार एगो मंत्री बन रहा है, एगो विधायक बन रहा है, उससे ज्यादा तो फिर फौज मांग रहा है, तो फिर उसको ऐसा नहीं जो मतलब मिलना चाहिए, चलो उसी को जो जिसके घर में गढ़ है उसी के घर में गढ़ गढ़ रहे हैं, आदमी गढ़ के भी देखते वो लोग डर रहा है, उसके पास शासन है मंत्री है, मेरे पास कुछ नहीं, हम गरीब है इसलिए हम गाड़ी में घूर रहे हैं। तो मंत्री आप ही का है ना, आपके लिए काम नहीं करता है कुछ नहीं, वो क्या है उसको बोलने का अक्ल नहीं तो काम क्या करेगा। हाय टाइगर जगन्नाथ महतो था, उसको गुनगा रहे हैं, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं, उसके लिए हम दिक्कत नहीं है। तेरे शिव स्वर्गीय शिवा महतो मेरा समधी था, हम उसके लिए भी बहुत अच्छा, भले 15 साल वो भी मेरा समधी था, लेकिन वो भी राज किया, वो भी ठीक है, हाँ 3 बार जीता, 15 साल हुआ ना आगे समझे क्या, इसलिए अभी इन लोग का दोनों का जो है ना बेबी देवी ने राजू महतो क्या चलेगा, आसू और तसू कुछ नहीं चलेगा, अब की बार कुछ चलने वाला नहीं है। आपका विधायक जो है वो मंत्री भी है, तो मंत्री के पास क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहा होगा, उसको बहुत तरह से निकले काम नहीं कर रहा तो उसको जाके बोलिए काम नहीं, ऐसा कोई काम करे या मत करे और नहीं करेगा मेरा भविष्य। अभी अभी फिलहाल की बात है, जब ऐसा बात था तो फिलहाल की बात है, जब अभी क्या बोलता है चौकीदार का वोट पाया, अभी चौकीदार कैसे आया पाली, तो झारखंड में मेरा डुमरी फरखंड के किसको ले लिया, चाहे गिरिडीह जिला में किसको लिया ये बता दीजिए। जयराम महतो का है अभी, अभी किसको लिया, किसी को लिया है तनी बता दीजिए, तनी बता दीजिए किसी को लिया क्या, कोई भी बता दीजिए, झारखंड के क्यों ले लिया, बाहरिया क्यों ले रहा है, हम ये पूछ रहे हैं, बाहरी आदमी का बाहरी आदमी ड्यूटी क्यों ले रहा है, हम यही पूछना चाहते हैं। तो क्या जयराम महतो दिन भर घूमते रहते हैं? हम दिन भर घूमते रहते हैं, सुबह खाना खाए निकलते हैं 10 बजे से, हमको 4-5 बजे थोड़ा दुकान में रहते हैं, काम चाय पानी मिलते हैं, डुमरी टोल पाला तो अपना बाल बच्चा नहीं है, है कैसे नहीं है, तो बाल बच्चा को रोजी रोजगार देने छोड़ के 2 पैसा कमाएगा तो 20 बच्चा, अरे नहीं वो ऐसा तो उतना कोई बात नहीं है, तो आपका पेट भर देगा, नहीं पेट नहीं भरेगा हाँ। लेकिन आने वाला दिन में भविष्य में बाल बच्चा का पेट भर देगा, हमारा पेट नहीं भरेगा, तो अभी तो हानि हो रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई ऐसी कोई आपत्ति थोड़ी है, अगर आपत्ति होता तो हम इतना दौड़बे नहीं करते। साफ साफ बताए जयराम महतो कितना पैसा दिया सब करने के लिए?
ये तो गलत बात है, विश्वकर्मा छू के बोलते हैं। जयराम महतो नहीं दिया, जयराम महतो पीछे हम लुटा रहे हैं। इसको लगाने में हमको 850 रुपया लगा है। 850 रुपया कहाँ से लगा? अपने जेब से। और रोज का 150-200 का पेट्रोल डाल के दौड़ रहे हैं। एक बार हार गया फिर हार जाएगा, तो ऐसा कोई चांस है? हारते रहेगा फिर भी थुरते रहेंगे। हारेंगे तो हुरेंगे और जीतेंगे तो थुरेंगे, लेकिन वही रहेगा कैची, काट देंगे लेकिन पीछे नहीं रहेंगे, वही रहेंगे हम, पीछे नहीं घूरेंगे हम। जयराम महतो का टुंडी विधानसभा घर पड़ता है, यहाँ के लड़ता है। टुंडी पड़ता है क्या? डुमरी टुंडी, ओ मतलब मोदी दो जगह से लड़ सकता है, वो सरकार है, वो चार जगह से लड़ सकता है। मतलब आम आदमी है तो हम नहीं लड़ सकते हैं? हम मेरे पास औकात नहीं है क्या लड़ने के लिए? औकात नहीं है तभी तो दूसरा, इसलिए लाठी मार रहे हैं। इसी में कानून थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्या कि उसका सरकार है ना, राजू महतो, बेबी देवी, ये सब बोलो तो इन लोग का सरकार है, थोड़ा इन लोग फौज है, कहीं भी टिकट काट भी सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उतना थोड़ी है जो आप पब्लिक उतना बुर्बक नहीं रह गया ना, ऐसा थोड़ी होगा जो काटते रहेगा। अब इसलिए कैची आ गया ना काटने के लिए। अब गाँव घर घूमता है तो आदमी लोग मजाक नहीं उड़ा देता है, कैची टांग के घूम रहा है? उड़ाता है नहीं, बहुत आदमी हंसता भी है और उड़ाता है भी, तो मजा भी हमको आता है, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी आता है। कोई लोग दूसरे जहाँ हंसे लेकिन हमको अच्छा लगता है। जो 25 लोग नहीं डराता है, डराने वाला बोलने दीजिए, कितना बोलेगा, बोलेगा बोलेगा, बोलते बोलते थक जाएगा। गाँव मेरा जो लाड़ी है ढूंढी रामन महतो महतो है, नहीं जी जाति नहीं जाता है, अगर जाति में जाता तो जयराम महतो दूसरे पार्टी को फिर दूसरे आदमी को खड़े नहीं करता, खाली महतो खड़ा क्यों नहीं कर देता? जयराम महतो खाली महतो के क्यों नहीं खड़ा किया? जयराम महतो खाली चेहरा देख देख के वोट देता है? नहीं, चेहरा जयराम महतो कौन सा छपल हुआ है?